हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। यहाँ पर आज हम बात करने वाले जिंदाल फोटो कंपनी के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, टेक्निकल बेसिस पर यहाँ पर आपको निवेश करना या नहीं करना है। अगर आप इस कंपनी को पहले से जानते होंगे तो आपको बताओ कि बहुत ज़्यादा टाइम से इस शेयर के अंदर 5% के अपर सर्किट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। सो इस तरह की सिचुएशन में भी अगर हम यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो आपको उस कंपनी में निवेश करना या नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो जिंदाल फोटो का जो यहाँ पर कारोबार है वो टोटली एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोटोग्राफिक एज वेल एज जो मेडिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर यहाँ पर जो कंपनी का मेन जो बिजनेस है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये जो बिजनेस है वो ये कंपनी जो मैन्युफैक्चर और सेल करती है वो किसको करती है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जो भी कोडिक कंपनी जो कि आपको फोटोग्राफिक रिलेटेड जो कंपनी उसकी जो रील्स होती है उसके अंदर जो कारोबार जैसे कि मैंने आपको बोला कि फोटोग्राफिक तो वो जो सेल करती है वो करती है डेट इज कोडिक कंपनी को, और उसके साथ साथ मेडिकल सेक्टर के अंदर यहाँ पर जो मैंने आपको बात की डेट इज मेडिकल प्रोडक्ट्स भी सेल करती है। तो उसके अंदर भी एक्सरे जो आता है जो अगर आप कोई भी हॉस्पिटल या फिर आप किधर भी डायग्नोस्टिक करने जाओगे तो यहाँ पर एक्सरे होता है, तो एक्सरे के अंदर भी जो भी वो फिल्म होती है ब्लैक कलर की तो वो जो प्रोवाइड करने का काम है वो यहाँ पर जिंदाल फोटो द्वारा किया गया हुआ है। उसके थ्रू इस कंपनी का जो बिजनेस है वो यहाँ पर चलता है। अगर मैं पर मार्केट कैप की बात करूँ तो 409.31 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि इस कंपनी को एक स्मॉल कैप स्टॉक जरूर बना देता है, बट उसके साथ साथ में बीटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है 0.31 जो कि मेरे हिसाब से कंपनी के अंदर शेयर के प्राइस के जिस तरह से यहाँ पर हमें अप्रिसिएशन देखने को मिलता है तो उसके हिसाब से काफ़ी रॉन्ग यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री का यहाँ पर जो करंटली प्राइस टू अर्निंग वो है 29.26। अगर मैं प्राइस टू बुक के हिसाब से बात करूँ तो काफ़ी महंगा शेयर यहाँ पर हमें करंटली यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है 17.12 का प्राइस टू बुक है, और बुक वैल्यू निकल करती है शेयर की सिर्फ 23.3 रुपीज। सो प्राइस टू बुक के हिसाब से भी काफी महंगे वैल्यूएशन पे करंटली शेयर यहाँ पर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, कंपनी यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है 2018, 2019, 2020 as well as 2021 के अंदर यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू as well as प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें यहाँ पर हमें एकदम से डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, दैट इज लॉस मेकिंग ये कंपनी है। और उसके साथ में 2020 के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा 3.4 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर कंपनी ने घाटा किया है, और 2021 के अंदर भी 4.45 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर जो है कंपनी ने लॉस जनरेट किया है। तो ये भी मेरे आपसे काफ़ी नेगेटिव बात है, कंपनी के फाइनेंशियल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर पिछले 3 क्वार्टर में किस तरह का परफॉर्मेंस किया है तो उसको भी हम ज़्यादा फोकस जरूर करने वाले हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो कंपनी का खुद का जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी के अंदर प्रमोटर का इन्वेस्टमेंट है वो है 72.72% का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर कंपनी द्वारा किया गया हुआ है, और FII और DII का सिर्फ इन्वेस्टमेंट है नाम पूर्ता सिर्फ 0.03% का ही यहाँ पर हमें FII as well as DII के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया वो देखने को मिल रहा है, और 27.24% का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल एज वेल एज कॉर्पोरेट्स होते हैं उन लोगों द्वारा किया गया हुआ है। रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर दो पिछले 3 क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी ने कोई भी रेवेन्यू नहीं किया है, जो कि मेरे से आपको बताना चाहिए अगर आप इस कंपनी में पहले से इन्वेस्टेड हो जस्ट एज ऑफ एवरी कि कभी भी इस शेयर के अंदर लोअर सर्किट भी लगने स्टार्ट हो सकते हैं। ऑल दो पॉसिबिलिटी है कि 400 का शेयर यहाँ पर आपको जो क्लोजिंग देखने मिली आज की वो ये 399 पे 400, 405, 450, 600 तक भी ये शेयर जा सकता है, बट यहाँ पर आप कौन से बेसिस पर आप इस कंपनी में निवेश कर रहे हो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कंपनी के बारे में बात करो तो यहाँ पर पिछले 3 क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी की टोटल इनकम देखने जाए तो 0 करोड़ डेट इस कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू हुआ ही नहीं है, बट उसके साथ साथ में पिछले 3 क्वार्टर में भी यहाँ पर कंपनी ने 1 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर जो है लॉस जनरेट किया हुआ है। तो ये मेरे से आपको नोटिस करने वाली बात है कि कंपनी के अंदर जो बिजनेस है कंपनी जो फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी पुअर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप कौन से बेसिस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो है ऑपरेटर द्वारा या शेयर जो है यहाँ पर आपको चढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है, और रिटेल जो कैटेगरी इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों को यहाँ पर जो है धोखे में दिया जा रहा है। अगर हम रिटर्न रेशियोज भी कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर जो पहली बात तो क्या कंपनी यहाँ पर जो है फाइनेंशियल्स ही देखने को नहीं मिल रहा है, इस कंपनी का रेवेन्यू ही नहीं है, बट उसी के साथ साथ में यहाँ पर कंपनी जो है लॉस भी कर रही है, बट यहाँ पर कंपनी के रिटर्न रेशियोज कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो ये आपको बता रहा है कि कंपनी के अंदर मार्केट में जितना भी इक्विटी है उस इक्विटी परसेंटेज के ऊपर यहाँ पर कंपनी ऑन ईयरली बेसिस पर कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाता है। तो वो था इस कंपनी का मार्च 2019 के अंदर 1.07%, मार्च 2020 के अंदर -14.01%,
एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर -17.82% का यहाँ पर जो है हमें रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में देखने को मिला है, जो कि आपको पता है कि कंपनी यहाँ पर लॉस कर रही है। ROC की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यह हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कंपनी के अंदर मार्केट में जितना भी कैपिटल इट इज मिक्सचर ऑफ बोथ डेट एज वेल एज इक्विटी, उसके ऊपर यहाँ पर जो है कंपनी कितना परसेंटेज तो प्रॉफिट जनरेट कर पाता है ऑन एन ईयरली बेसिस। तो वो भी यहाँ पर कंपनी का था मार्च 2019 के अंदर 3.05%, मार्च 2020 के अंदर -1.18%, एज मार्च 2021 के अंदर -0.29% का यहां पर हमें कंपनी का ROC परसेंटेज देखने को मिला है। ROA के बारे में बात करें रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कंपनी के पास जितने भी मार्केट में एसेट्स अवेलेबल है, कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी कितना परसेंट का प्रॉफिट जनरेट कर पाता है। तो वो था इस कंपनी का मार्च 2019 के अंदर 0.16%, मार्च 2020 के अंदर -3.44%, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर -4.22% का कंपनी का ROA देखने को मिला है। तो ये भी मेरा से जो कंपनी के जो रिटर्न रेशियो है वो भी काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट वाले देखने को मिल रहे हैं। लेवरेज रेशियोज कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर कंपनी का जो डेट टू इक्विटी जो कि इंडिकेशन में होना चाहिए, डेट इज ऑलमोस्ट 2:1 के रेशियो में, तो कि आपको कंपनी देखने मिला कि कंपनी का मार्केट में जितना डेट है वो इक्विटी से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। जो कि 2019 में कंपनी डेट फ्री थी, जो कि 2020 के अंदर 2.18 का डेट है, और मार्च 2020 के अंदर यहाँ पर जो कंपनी का डेट है वो और ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 2.3 के रेशियो फॉर्म में। सो डेट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से भी आपको जो कंपनी में निवेश करना रहेगा वो काफ़ी महंगा और आपको काफ़ी जो है नेगेटिव सेंटीमेंट में आपको साबित होते हुए देखने को मिल सकता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज जो आपको बता रहे कि कंपनी के अंदर मार्केट में जो भी कंपनी कैपेसिटी मार्केट में इंटरेस्ट पे करने की वो क्या है, तो आपको बता रहे कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज जो क्या होता है कि कंपनी लॉस मेकिंग है, कंपनी के पास डेट ही इतना ज्यादा है, तो वो भी मेरे से काफी नेगेटिव सेंटीमेंट वाली बात है। और उसके साथ साथ में कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है उसके अंदर मोर देन 25-27% का जो इन्वेस्टमेंट वो यहाँ पर पब्लिक द्वारा किया गया हुआ है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज बीन डन बाय द प्रमोटर, बट फिर भी कॉन्ट्रेरी साइड पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर पब्लिक द्वारा देखने को नहीं मिल रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज पिछले 3 साल 2019 के अंदर 6.7, 5.42%, मार्च 2020 के अंदर -0.07%, मार्च 2021 के अंदर -0.02% का यहाँ पर हमें नेगेटिव में कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने को मिल रहा है। अगर मैं 5 ईयर हाई प्राइस की बात करूँ तो नियरली इसने आज ही अपना एक नया हाई प्राइस बनाया, 399 रुपीज़, ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ पे इसकी क्लोजिंग हुई है। सो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको इस कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। ऑल दो शेयर प्राइस 500, 600, 700, 800 तक भी जा सकता है, बट फिर भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कंपनी कोई भी फंडामेंटल्स यहां पर मैं कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं दे रहे, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको इस कंपनी में निवेश करना है। बट उसके साथ साथ में एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करूं तो यहां पर हमें एक चीज ध्यान रखनी थी कि कंपनी के फंडा क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, तो वो मेरे आपसे काफी इंफॉर्मेटिव आपके लिए रहा होगा। सो होप करता हूँ कि जिंदाल फोटो लिमिटेड कंपनी का यहाँ पर हमने जिस तरह एनालिसिस किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा, और उसके ऊपर आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या सीखना है, वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।